अच्छा, गुड मॉर्निंग बच्चों। अब देखो, जैसे आपको रिपोर्टेड स्पीच में जो बताया था कि ये जो प्रोनाउन है वो किस तरीके से बदलने हैं अपने को, तो पहले क्या करना है आपको कि पहले ये जो प्रोनाउन है इनके बारे में समझना है कि प्रोनाउन है वो कौन कौन से हैं और किस प्रकार से ये एक वाक्य में अपने काम में लेते हैं। तो देखो, जैसे ये जो प्रोनाउन है इनको एक तीन प्रश्नों के रूप में बांटा जाता है। अब देखो, जैसे ये प्रोनाउन है, इनको समझने के लिए अपने एक तरीका है, प्रोनाउन टेबल। तो इनमें देखो, जैसे ये जो प्रोनाउन है वो तीन प्रश्नों में बंटे होते हैं और तीनों ही प्रश्न हैं वो एक सेंटेंस में जब अपने इनको लिखते हैं तो ये इस प्रकार से वाक्य में लिखे जाएंगे, सब्जेक्ट के रूप में यानी कर्ता के रूप में, ऑब्जेक्ट है यानी कर्म के रूप में, पजेसिव यानी संबंध या स्वामित्व के लिए, और रिफ्लेक्सिव यानी निजता बताने के लिए। तो ये इस प्रकार से प्रत्येक प्रश्न को एक वाक्य में जैसे सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, पजेसिव या रिफ्लेक्सिव के रूप में लिखते हैं। तो इनमें जैसे पहले आता है फर्स्ट पर्सन, तो ये जो फर्स्ट पर्सन है वो कौन सा होता है कि यानी जो पर्सन जिसका अर्थ अपने खुद से आता है वो फर्स्ट पर्सनों में आता है। अब फर्स्ट पर्सनों में सब्जेक्ट के रूप में अपने लिखते हैं आई और वी, ऑब्जेक्ट में लिखा जाता है मी और अस, पजेसिव के रूप में लिखा जाता है माई और आवर, और रिफ्लेक्सिव के रूप में लिखा जाता है माई सेल्फ और ए आवर सर्विस इस तरीके से। ये यानी कि फर्स्ट पर्सन है। इसके बाद नंबर दो, सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन में क्या होता है कि तुम कर देने वाले जो होते हैं प्रोनाउन है वो सेकंड पर्सनों में आते हैं। अब सेकंड पर्सनों में सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है यू, ऑब्जेक्ट में यू ही लिखा जाता है, पजेसिव के रूप में योर लिखा जाता है और रिफ्लेक्सिव में योर सेल्फ लिखा जाता है, योर सेल्फ लिखा जाता है। ये सेकंड पर्सन हो गई। इसके बाद में थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सनों में क्या होता है कि थर्ड पर्सनों में फर्स्ट पर्सन में तो जैसे आपको बताया कि खुद के लिए होते हैं यानी खुद कार्ड देने वाले, सेकंड पर्सन में क्या होता है कि तुम कार्ड देने वाले, और थर्ड पर्सन में क्या हो गया कि मैं और तुम के अलावा जो बच गए वो होते हैं थर्ड पर्सन में। जैसे पुलिंग एकवचन नाम है, सब्जेक्ट में लिखेंगे तो ही, स्त्रीलिंग एकवचन नाम है, सब्जेक्ट में लिखेंगे तो लिखा जाएगा सी, और नपुंसक के लिए इटे और नाम का नाम, और अगर ये स्त्रीलिंग है, पुलिंग है, ये बहुवचन में हो तो सब्जेक्ट में अगर लिखना हो तो लिखा जाता है दे। इस तरीके से ये थर्ड पर्सनों के सब्जेक्ट में के रूप में लिखे जाने वाले। अब थर्ड पर्सन में ऑब्जेक्ट में पुलिंग एकवचन के लिए लिखा जाता है हिम, स्त्रीलिंग के लिए लिखा जाता है हर, और नपुंसक के लिए लिखा जाएगा इट, और कोई नाम है उसका नाम का नाम लिखा जाएगा। और अगर ये बहुवचन में हो तो इनके लिए ऑब्जेक्ट में लिखा जाता है देम, यानी ये तो सब्जेक्ट के रूप में थर्ड पर्सनों में ही सी इट नाम और दे, और ऑब्जेक्ट के रूप में थर्ड पर्सनों में हिम है हर है इट है नाम है और देम, ये ऑब्जेक्ट के रूप में लिखे जाएंगे। इसके बाद में पजेसिव के रूप में इनको लिखा जाता है, जैसे पुलिंग एक वचन है उसके लिए लिखा जाएगा हिज,
स्त्रीलिंग एक वचन के लिए लिखा जाएगा हर, और नपुंसक के लिए लिखा जाएगा इट्स, और ए नाम के लिए लिखा जाएगा नेम्स, और बहुवचन में हो तो इसका लिखा जाएगा डियर। ये पजेसिव के रूप में लिखे जाते हैं थर्ड पर्सन में। रिफ्लेक्सिव में पुलिंग एक वचन के लिए तो लिखा जाएगा हिमसेल्फ, हिमसेल्फ। स्त्रीलिंग के लिए लिखा जाएगा हरसेल्फ, और नपुंसक के लिए लिखा जाएगा इट्सेल्फ। और अगर ये प्लूरल बहुवचन में हो तो लिखा जाएगा देमसेल्व्स, इस तरीके से। ये यानी इस तरीके से क्या है कि सारे ये एक प्रोनाउन टेबल जो बनाइए, इससे आप इन प्रोनाउनों को अच्छे तरीके से समझो। कहने का मतलब यानी कि ये जो प्रोनाउन है इनको तीन पर्सनों के रूप में अपने बांटते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। प्रत्येक जो पर्सन है वो एक वाक्य में इस चार तरीके से लिखा जाएगा, सब्जेक्ट के रूप में यानी कर्ता के रूप में, ऑब्जेक्ट क्रम के रूप में पजेसिव कोई संबंध या स्वामित्व बताने के लिए, और रिफ्लेक्सिव निजता बताने के लिए। तो ये जो प्रोनाउन है ये जैसे अपने सेंटेंस में देखेंगे, जो सेंटेंस में लिखे आएंगे, तो इनको क्या करना है कि इनकी पहचान करनी है। सबसे पहले ये पता लगाना है कि जैसे आई आ गया, तो आई को ये देखना है कि ये आई है वो फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के रूप में लिखा हुआ है। जैसे मी आ गया, तो मी है वो फर्स्ट पर्सन है, ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा हुआ है। इसी तरीके से माई आ गया, तो इसका मतलब कि फर्स्ट पर्सन है, पजेसिव के रूप में लिखा हुआ है। ये इस तरीके से अपने को पता होना चाहिए। अच्छा, अब इनकी पहचान होने के बाद में क्या करना है कि इनको प्रोनाउनों को बदलना किस तरीके से, ये प्रोनाउन है वो इस तरीके से अपने को बदलने, प्रोनाउन है चेंज है वो इस तरीके से करने अपने को। नंबर एक, पहली बात यानी अपने प्रोनाउन है वो बदलेंगे रिपोर्टेड स्पीच वाले, और इनको बदलेंगे किस आधार पर, जो रिपोर्टिंग वर्ब दी होती है उसके आधार पर बदलना होता है। तो क्या करना है, नंबर एक पहली बात है कि जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग जो वर्ब होती है यानी कॉमा से बार वाला जो भाग होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है इसको। यानी जो फर्स्ट पर्सन होता है ये अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन होगा उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। अच्छा, सब्जेक्ट के अनुसार। इसके बाद में नंबर दो, जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, रिपोर्टेड स्पीच का जो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन, उसको क्या करना है, सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के, ये तो सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है, और इसको क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार। यानी जो फर्स्ट पर्सन होता है वो तो क्या होता है, सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है, और जो सेकंड पर्सन होता है उसको क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। इसके बाद में जो थर्ड पर्सन होते हैं, यानी रिपोर्टर स्पीच का जो थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन है उसको क्या करते हैं, थर्ड पर्सन को बदलते नहीं है, यानी ये नो चेंज होता है, इसको बदला नहीं जाता है। तो इस प्रकार से यानी कि जैसे सबसे पहले आपको जो दिया हुआ सेंटेंस है उसमें ये देखना है कि इस वाक्य में कौन कौन से प्रोनाउन आए हैं, वो कौन कौन से पर्सनों के रूप में, कौन से हैं, फर्स्ट हैं, सेकंड हैं, थर्ड हैं, किस किस रूप में लिखे हैं, सब्जेक्ट के रूप में आए हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में आए हैं, पजेसिव के रूप में आए, रिफ्लेक्सिव के रूप में आए। और फिर इसके बाद में ये ध्यान में रखते हुए यानी रिपोर्टेड स्पीच वाले
बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार बदले जाते हैं। तो रिपोर्टर स्पीच का फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड है ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड है वो नो चेंज के अनुसार। तो इस तरीके से संक्षेप में इनको याद रख के और इनको चेंज करना है। अच्छा, इसमें बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि अगर सब्जेक्ट को बदल रहे हैं, सब्जेक्ट है कहने का मतलब यहाँ जो सब्जेक्ट के रूप में आया है तो जो चेंज करके लाएंगे वो सब्जेक्ट ही लगाना है। ऑब्जेक्ट को अगर बदल रहे हैं तो बदला हुआ वहाँ ऑब्जेक्ट ही लिखना है। कहने का मतलब जैसे मान लो कि अपने वी को बदल रहे हैं तो वी है वो क्या है, सब्जेक्ट के रूप में आया है, तो यहाँ वी की जगह ये सब्जेक्ट वाली बातें ही लिखनी है। ये नहीं है कि इस वी की जगह कोई ऑब्जेक्ट को लिख देंगे या पजेसिव को लिख देंगे या रिफ्लेक्सिव को। कहने का मतलब यानी कि सब्जेक्ट को अगर बदले हैं तो बदला हुआ सब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट को बदले हैं बदला हुआ ऑब्जेक्ट लिखना होता है, और पजेसिव बदले हैं तो बदला हुआ इसकी जगह पजेसिव भी लिखना होता है। इसके बाद में अब आगे देखो, जैसे ये रिपोर्टेड स्पीच में आपको बताया कि अपने तीन चीजें बदलते हैं। पहली प्रोनाउन चेंज करने की बात बताई है, तो ये तो इस तरीके से ये प्रोनाउन चेंज करने की बात हो गई। इसके बाद में नंबर दो बात है टेंस चेंज करने की, तो ये टेंस है वो किस तरीके से बदलने हैं। देखो नंबर दो यानी टेंस है वो किस तरीके से बदलने हैं। अच्छा, टेंसों में जैसे जो डायरेक्ट सेंटेंस होता है उसको इनडायरेक्ट में जब बदलेंगे तो क्या करना है, यानी प्रेजेंट का पास्ट बनाना होता है। यानी प्रेजेंट टेंस को क्या करना है, पास्ट टेंस में बदलना है। अब देखो ये बात आती है मतलब है टेंस चेंज करने की। नंबर दो टेंस चेंज, तो टेंस चेंज में क्या है, यानी आपको मेन बात ये ध्यान में रखनी है कि डायरेक्ट जो सेंटेंस है उसको अगर वो प्रेजेंट का है तो उसको क्या करना है, पास्ट में बदलना है। पास्ट में यानी प्रेजेंट का जो भाग है उसको उसी पास्ट के उसी भाग में बदलना होता है। अब देखो जैसे टेंस के अनुसार ये है, ये डायरेक्ट सेंटेंस है और ये इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट वाले में क्या है कि जैसे मान लो कि प्रेजेंट सिंपल का है, कहने का मतलब ये प्रेजेंट का पहला भाग है तो इसको क्या करेंगे, पास्ट के पहले भाग में बदल देंगे। प्रेजेंट सिंपल का है पास्ट सिंपल में, दूसरे को क्या करेंगे, दूसरे में बदल देंगे। कहने का मतलब यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस का है तो पास्ट कंटिन्यूस में, तीसरे को तीसरे में। ये प्रेजेंट है और ये क्या है, पास्ट। प्रेजेंट सिंपल है पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूस है पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट है पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। कहने का मतलब प्रेजेंट का पास्ट बनाना है। अब इसी तरीके से पास्ट का है तो पास्ट वाले में क्या करना है कि पास्ट वाले में इस तरीके से होता है, पास्ट वाला पहले को तो बदलना है तीसरे में और दूसरे को बदलना है चौथे में। पहले का मतलब सिंपल, पास्ट सिंपल का है तो तीसरे में, तीसरे का मतलब है परफेक्ट, तो पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में बदलना है। दूसरा, दूसरे का मतलब पास्ट कंटिन्यूस का, तो पास्ट कंटिन्यूस वाले को बदलना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये तो बात हो गई प्रेजेंट और पास्ट की। इसके बाद बात आती है फ्यूचर की, तो ये यानी कि पास्ट का है, ये भी पास्ट का ही होगा, ये डायरेक्ट में और ये इनडायरेक्ट में। अच्छा, अब बात आती है फ्यूचर की, तो फ्यूचर वाले में क्या करना है कि फ्यूचर वाले में चारों भागों में, चाहे सिंपल हो कंटिन्यूस हो परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चारों भागों में क्या करते हैं, सेल विल क्रिया लगाते हैं, सेल और विल। तो सेल विल ने ये जो साइक्रिया वो चारों भागों में आती है,
अब इसमें क्या करना है कि डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में लिखेंगे ना, तब क्या करना है, सेल विल का पास्ट है वुड लिखना है। वैसे जो सेल है ना, इसका पास्ट शुड होता है और विल का पास्ट वुड होता है, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या करना है, इनडायरेक्ट सेंटेंसों में सेल और विल दोनों के लिए वुड ही काम लेना है, वुड लिखना है। अब सेल और विल के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वुड कर देंगे, सेल विल का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। सेल और विल के बाद जैसे कंटिन्यूस में बी लगता है तो वुड बी लगा देंगे। तीसरे में सेल और विल के बाद में हैव आता है तो वुड हैव लगा देंगे। कहने का मतलब यानी सेल और विल किस गए, वुड कर देना है। वुड करने से ये पास्ट में बन जाएगा और चारों भागों में सेल विल आते हैं तो चारों भागों में ही सेल विल किस गए, वुड कर देना, ये फ्यूचर का हो गया। इस तरीके से ये टेंसों के अनुसार हो गया। अब अगर ये टेंसों के अनुसार थोड़ी बात है वो नए सुन में आए या टेंस से अगर कम आते हैं किसी को, तो इससे टेबल से भी आप इसको याद रख सकते और समझ सकते हैं। देखो इस तरीके से करना है, ये डायरेक्ट में, इस तरीके से इसको इनडायरेक्ट में करना है। नंबर एक, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या फिर मेन वर्ब के साथ एस ई एस लगाओ तो क्या करना है, फिर इनडायरेक्ट में आपको मेन वर्ब की लगानी है सेकंड फॉर्म। यानी जो फर्स्ट फॉर्म है ये प्रेजेंट सिंपल में आती है अफर्मेटिव सेंटेंसों में, और पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंसों में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड में चेंज कर देना है। इसके बाद अगर इसमें लिखा है डू डज और डू डज के साथ ये नेगेटिव सेंटेंस है नोट, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब इनडायरेक्ट में क्या करना है कि प्रेजेंट सिंपल में तो नेगेटिव सेंटेंसों में डू डज आता है और पास्ट सिंपल में नेगेटिव सेंटेंसों में हेल्पिंग वर्ब वो डिड आती है, तो डू डज का पास्ट क्या जाएगा, डिड हो जाएगा और नोट का नोट और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। इसके बाद अब देखो जैसे ये डू डज है, डू डज के बाद नोट लगाए तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब अगर ये नोट ये अगर नहीं है और फिर डू डज आए तो इसका मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस को इस तरीके से किया जाता है कि डू डज अगर अकेले आते हैं, नोट नहीं है, तो क्या होगा कि इसको फिर इनडायरेक्ट में जो बदलेंगे तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस में बदला जाएगा, इसलिए डू डज हट जाएंगे और यहाँ मेन वर्ब की क्या होगी, सेकंड फॉर्म आएगी। यानी डू डज के साथ नोट है तब तो डिड नोट लगाना है, और अगर डू डज अकेले तो इसका मतलब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में बदलते हैं तो पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, इसलिए डू डज हटा देंगे और वर्ब की लगा देंगे सेकंड फॉर्म। डू डज के साथ या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी डायरेक्ट सेंटेंस में, और इनडायरेक्ट में क्या कर देना है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देनी है। इसके बाद में नंबर 2, इसमें होगा इजेमार। इजेमार प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, इसका पास्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देंगे तो पास्ट कंटिन्यूस में इजेमार की जगह हो जाएगा वाजवर, जो मेन वर्ब है उसकी आईएनजी आएगी। इजेमार का पास्ट है वाजवर कर देना है, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, आईएनजी यहां लिखनी है। इसके बाद नंबर 3, तीसरा भाग हो गया इसका यानी परफेक्ट। तो परफेक्ट वाले में क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज या हैव, हैज हैव, और हैज हैव के साथ क्या होगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब इसमें क्या करना है, पास्ट वाले में, पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी हैड और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, मेन वर्ब की आ जाएगी थर्ड फॉर्म। इसके बाद में नंबर 4 इसका चौथा भाग हो जाएगा हैज या हैव, हैज या हैव के साथ क्या होगा, बीन आएगा और जो मेन वर्ब है उसकी आईएनजी फॉर्म आएगी।
अब क्या करना है, इसका पास्ट बनाएंगे तो एज का पास्ट क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा, और हेड के साथ है बीन लग जाएगा, हेड बीन, और जो मेन वर्ब है उसके साथ है आई एन जी आ जाएगी। इस तरीके से यानी कि ये प्रेजेंट के चारों भाग हो गए। प्रेजेंट को और पास्ट में जैसे बदलना आपको बताया है, अब देखो जैसे ये बताया उसके अनुसार है ना, ये प्रेजेंट सिंपल है, ये पास्ट सिंपल हो गया, ये प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस है, पास्ट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ये प्रेजेंट सिंपल का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस हम क्या करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में बदल देते हैं, तो ये पास्ट है सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है ये पास्ट कंटिन्यूस में चेंज कर दिया, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है ये पास्ट परफेक्ट में बना दिया, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो गया। अच्छा, अब इसके बाद में ये प्रेजेंट क्यों गए पास्ट वाले में, पास्ट वाले में जैसे आपको बताया कि पहले को तो तीसरे में, दूसरे को चौथे में चेंज करना बताया, तो पहला कौन सा हो गया, यानी डायरेक्ट में ये होगा पास्ट का पहले का मतलब हो गया पास्ट सिंपल, यानी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म एफर्मेटिव सेंटेंसों में, तो और जो इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होंगे उनमें डिड सही क्रिया, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इनडायरेक्ट में क्या करना है पहले को तीसरे में, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इंटरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस होंगे तो पास्ट सिंपल में तो डिड लगती है और पास्ट परफेक्ट में इसकी हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी हेड और वर्ब की हो जाएगी थर्ड, इस तरीके से। ये हो गया पास्ट का पहला भाग, दूसरे को चौथे में, दूसरे को मैंने पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस में क्या होगा वाजवर होगा, वाजवर और वर्ब के साथ आई एन जी, पास्ट कंटिन्यूस में क्या कर देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देंगे, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आ जाएगा हेड बीन, हेड बीन और वर्ब के साथ है आई एन जी। ये हो गए यानी कि पास्ट के दोनों भाग, पहले को तीसरे में, दूसरे को चौथे, इस तरीके से चेंज हो गया। इसके बाद बात आती है फ्यूचर टेंस की, तो फ्यूचर वाले में क्या करना है, जैसे आपको बताया कि सेल विल का वुड लिखना है, और देखो टेंस के अनुसार जैसे उसका फ्यूचर का पहला भाग है फ्यूचर सिंपल, तो उसमें क्या होगा सेल विल सही क्रिया लगेगी, सेल या विल सही क्रिया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इनडायरेक्ट में लिखें क्या हो जाएगा सेल विल दोनों के लिए वुड आ जाएगा और वर्ब की लिखी जाएगी फर्स्ट वर्ब। अब जैसे आपको ये बताया ना कि सेल है, सेल का पास्ट वैसे शुड होता है, सेल का पास्ट शुड होता है, लेकिन अपने को इनडायरेक्ट में लिखते समय वुड को ही काम में लेना है, वुड ही लिखना है। इसके बाद नंबर आठ है जैसे सेल और विल है, सेल और ए विल के साथ बी लगेगा फ्यूचर कंटिन्यूस में और वर्ब की आएगी आई एन जी, वर्ब के साथ है आई एन जी आएगी। अब क्या करना है कि ये जैसे आपको बताया सेल और विल है, इसका पास्ट वुड बना देना है, यहां लिखेंगे वुड, बी लिखा हुआ है साथ में बी लगा देंगे, आई एन जी आई है आई एन जी लगा देंगे। इसके बाद तीसरा भाग है फ्यूचर का, इसमें क्या होगा सेल और विल है, तो सेल और ए विल के साथ में लिखा हुआ मिलेगा हैव परफेक्ट में, और ए मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी थर्ड फॉर्म आएगी। अब क्या करना है सेल और विल है, इन दोनों का हो जाएगा वुड और ए इसके साथ आ जाएगा हैव और ए वर्ब की आ जाएगी थर्ड फॉर्म। नंबर 10 से सेल और विल है, सेल और विल के साथ हैव बीन आएगा, सेल और विल प्लस हैव बीन और वर्ब है उसके साथ आएगी आई एन जी। तो इसमें क्या करना है सेल और विल दोनों का वुड बना देना है, हैव का हैव लिखना है, बीन का बीन लगा देना है और ए
जो मैन वर्ब है उसके साथ में आई एन जी लगा देनी है। तो इस तरीके से यानी कि ये पास्ट कहने का मतलब प्रेजेंट टेंस को पास्ट में बदल रहा है। अब इनमें जैसे टेंसों के अनुसार आप इनको देखते हो समझते हो तो बस इतनी बात याद रखनी है अपने को कि प्रेजेंट टेंस को पास्ट में चेंज करना है। प्रेजेंट का जो भाग है उसी भाग में पास्ट के उसी भाग में अपने को बदलना है। प्रेजेंट सिंपल का है तो पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूस का है तो पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट का है तो उसको पास्ट परफेक्ट में बदलना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इसको बदल देना है। इसी तरीके से जैसे पास्ट वाले हैं तो पास्ट वाले को क्या करना है कि पहले को तो तीसरे में और दूसरे को चौथे में बदल देना है। पहले का मतलब सिंपल, सिंपल को प्रेजेंट पास्ट सिंपल को बदल देना है पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूस को बदलना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर वाले में बताई दिया, फ्यूचर वाले में तो सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है कि जैसे सेल में ले सभी में साइक्री आती है, यानी इसके सभी भागों में चारों भागों में फ्यूचर वाले चारों भागों में क्या आती है सेल विल साइक्री आती है। सेल विल का क्या करना है आपको केवल वुड करना है, इसके बाद जो आगे लिखा हुआ है साइक्रिया के साथ सेल विल के बाद में वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आई है तो वुड के बाद में वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, सेल विल के बाद में बी लिखा है तो वुड के बाद में बी, सेल और विल के बाद में हैव लगा है तो वुड के बाद में हैव। कहने का मतलब केवल सेल विल का पास्ट एक वुड करना है और बाकी आगे जैसा जिस तरीके से लिखी हुई है जो बात वो सेम की सेम उसी प्रकार से लिखनी है, उसमें कोई बदलाव करने की कोई बात नहीं है। इसके बाद जैसे कुछ मॉडल वगैरह हैं वो भी आती हैं वाक्य में, तो मॉडल हैं उनका पास्ट इस प्रकार से करना है। जैसे ये मॉडल है इनमें जैसे सेल है, सेल का बताया आपको शुड, विल है, विल का पास्ट क्या होगा वुड, कैन है तो कैन का पास्ट क्या होगा कुड, और मे है तो मे का पास्ट क्या होगा माइट, इस तरीके से करना है। अब जैसे ये तो आप जानते ही बताइए आपको पहले कि सेल ये जो भी मॉडल आती है मॉडल के साथ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, अब वो चाहे प्रेजेंट में लिखें चाहे पास्ट में लिखें चाहे फ्यूचर में लिखें किसी भी तरीके से लिखें तो इनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कहने का मतलब यानी सेल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो शुड करेंगे तो शुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, विल है विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है वुड के साथ में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसी तरीके से कैन है कैन के साथ में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और कुड के साथ में भी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसी तरीके से मे है मे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और माइट के साथ में भी मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी फर्स्ट फॉर्म आएगी।